हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मोटी वाली हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। आप इसको अचार के रूप में या फिर सब्जी के रूप में किसी भी रूप में खा सकते हैं, और इसके साथ अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी टेस्टी और चटपटी ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे टिफिन में भी दे सकते हैं। तो इसको मिर्च को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसकी डंठल निकाल ली है और सुखा लिया है, इसको कपड़े से पोंछ लिया है। और फिर हम इसको ऐसे बीच से कट कर देंगे। आपको चार पीस में कट करना है तो चार पीस में भी कट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी मिर्चों को कट करके रख लिया है। और मसालों में मैंने लिया ये पंचफोरन मसाला, इसमें लिया है मैंने जीरा, अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, और ये मैंने सरसों ली है पीली वाली। आप सरसों काली वाली भी ले सकते हैं या पीली वाली, कोई भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पीसी है तो आप पीसी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, वो आप छौंक के साथ में ना डाल के बाकी मसालों के साथ में डालिएगा। और मसालों में मैंने लिया है ये धनिया पाउडर है 2 चम्मच, ये सौंफ पाउडर 2 चम्मच, ये लाल वाली मिर्च ये मैंने 1/2 चम्मच ली है, और ये मेथी के ली है मैंने, इसको लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। ये मेरे पास अभी खड़ी वाली नहीं थी इसलिए मैंने पाउडर ले लिया। अगर आप खड़ी लेते हैं तो आप इसके साथ में डाल सकते हैं। और ये काला नमक है 1/2 चम्मच, और सफ़ेद नमक 1 बड़ा चम्मच लिया है, और ये हल्दी लगेगा, हींग और मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें हम डाल देंगे मस्टर्ड ऑयल और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि अचार है, अचार में तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, और अगर ऑयल ज़्यादा होगा तो फिर हम इसको काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ऑयल मैंने 5 चम्मच डाला है, बड़े 5 चम्मच हैं। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस को एकदम स्लो कर देंगे या फिर हम बंद कर देंगे, ऑयल का थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर लेंगे। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये पंचफोरन, और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब हम इसमें हींग डाल देते हैं और ये मसालों को थोड़ा सा हो जाने देते हैं। ये देखिए मसाले चिटकने लगे हैं। अब हम इसमें मिर्च डाल के मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप इसको ऐसे ढक के भी फ्राई कर सकते हैं जिससे इसकी जो सीड्स हैं हमारे ऊपर उछल के ना आए। इसको इस तरह से ढक के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी हमारे मिर्चे फ्राई हो गए हैं, तो ये निशान ऐसे आ जाना चाहिए। और इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो मिर्च हमारी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी से भी बन जाती है। तो अब हम थोड़ा सा बीच में ऐसे स्पेस कर देते हैं, और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हम पहले अगर डालेंगे तो हल्दी जल जाएगी, इसलिए अब हम जब मिर्चें थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी उसके बाद हम डालेंगे और मिक्स कर देंगे इसको। तो 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है। अब हम बाकी के मसाले भी इसमें ऐड कर देंगे, ये सौंफ, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, मेथी पाउडर और नमक, काला नमक और सफ़ेद नमक। अगर आप सब्जी के रूप में खाना चाहते हैं इसको तो थोड़ा सा नमक कम ऐड करिएगा, और अगर अचार के रूप में खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा नमक ज़्यादा रहता है अचार में तो नमक ज़्यादा डालना पड़ेगा। अब हम इसको मिक्स करके थोड़ा सा और भून लेंगे। तो ये देखिए मिर्च का अचार बनकर तैयार है, बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये, 7 से 8 मिनट करीब लगे हैं इसको बनाने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी। नमक और मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। ये देखिए मिर्च का अचार बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको हम निकाल के रख लेते हैं।
लीजिए बनकर तैयार है मिर्ची का अचार। और इसमें मसाले भी देखिए कितने अच्छे से लिपट गए हैं। बहुत फटाफट और आसानी से बनने वाला ये अचार है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। आप इसको रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खाइए, दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको आप ठंडा करके किसी कंटेनर में भर के रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। वैसे आप इसको थोड़ा थोड़ा ही बनाइए और जल्दी से इसको ख़त्म कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हरी मिर्च होती है तो ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा ही थोड़ा बनाइए। तो अगर आपको मिर्च के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।